हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा धांसू सा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इसमें होगा कि जैसे ही आपके घर में अंधेरा होता है लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक जो चैनल पे नए हैं और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अब जो इसमें हम चीजें यूज में लेने वाले हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीजें क्या है। एक यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की रिले होने वाली है, एक एलडीआर होने वाला है। ये एलडीआर लाइट ओनली प्रकाश पर कार्य करता है। एक यहाँ पे हमारे पास 100K का रेजिस्टेंस और यहाँ पे बीसी 547 यहाँ पे होने वाला है ट्रांजिस्टर। एक हमारे पास होने वाली है एलईडी लाइट और यहाँ पे यूएसबी केबल। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, करते हैं इसकी टेस्टिंग। और टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे मैंने लगाई थी यूएसबी केबल, वो मैंने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए लगाई थी, पर मेरी वहां पे जो यूएसबी केबल है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैंने उसको हटाकर यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का डीसी चार्जर लगा लिया है। सेम वही कनेक्शन करने इसके भी उसी तरीके से। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताई दिया हर चीज किस चीज को कहां पे जोड़ना है, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो वीडियो के एंड में मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दे दूंगा, और आपको ये जो है सर्किट डायग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए इसकी करते हैं हम टेस्टिंग और इसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये जैसे मेरे पास यहाँ पे एसी सप्लाई के लिए है, मेरे पास यहाँ पे एक 9 वोल्ट का लैंप, इसको मैं डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। आप ध्यान रखिए कि इसमें जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट लैंप से होना चाहिए, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप, और जो फेज है वो रिले से होता हुआ हमारा कंट्रोल होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पे अब मैं इस 12 वोल्ट के डीसी चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जैसे कि देख रहे हो कि जो हमारी लाइट की रोशनी है वो हमारे एलडीआर पर आ रही है, प्रेजेंट टाइम पे एलडीआर पे आ रही है। अब हम करेंगे एलडीआर को हाइड, यानी कि हम एलडीआर पे अंधेरा करेंगे। जैसे ही मैं एलडीआर पे अंधेरा करूंगा, एलडीआर पे अंधेरा करते ही मेरा लाइट ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एलडीआर पे अंधेरा करेंगे लाइट ऑन हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस पे एलडीआर पे अंधेरा करेंगे हम, सॉरी मेरे हाथ से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर अंधेरा करने की जरूरत पड़ेगी इस पे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस जो ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पे आपको रात होते ही लैंप ऑन करना पड़ता है और सुबह होते ही लैंप को ऑफ करना पड़ता है, तो इस सर्किट को वहां पे लगा दीजिए, और जैसे ही रात होगी और एलडीआर पर जैसे ही अंधेरा जाएगा ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी, और जैसे इस पे उजाला होगा हमारी लाइट अपना ऑफ हो जाएगी। आपको कोई भी स्विच ऑन करने की ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं हमारे स्टूडियो की लाइट है वो बंद करके आपको एक बार दिखा देता हूं। तो हम करते हैं हमारी स्टूडियो की लाइट ऑफ, और ऑफ होते ही देखते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा अंधेरा होते ही लाइट जो है हमारी ऑन होती है कि नहीं होती। तो हम लाइट को ऑफ करते हैं, ऑफ करिए। देखिए फ्रेंड्स,
जैसे ही लाइट ऑफ हुई, हमारे अंधेरा हुआ एलडीआर पे, एलडीआर पे अंधेरा होते ही हमारे यहाँ पे लैंप ऑन हो गया। अब जैसे ही सुबह होगी और एलडीआर पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, हमारी लाइट वापस से ऑफ हो जाएगी। लाइट ऑन की देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही इस पे एलडीआर पे यहाँ पे रोशनी आई, रोशनी आती है यहाँ पे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, और जैसे ही रोशनी आई रोशनी आते ऑफ और अंधेरा होते ही ऑन। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट फ्रेंड्स। और अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं वहां पे आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और मैंने इसका सर्किट डायग्राम वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं अभी। फ्रेंड्स अगर आपको और भी कोई प्रोजेक्ट देखना है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, और अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट जो हमारी प्रोजेक्ट की है उस पर जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी सारे की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।